आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। 884 प्रवासियों को लेकर श्रमिक ट्रेन पहुंची जमुई, 402 थे जमुई एवं 299 बांका के, 31 अन्य जिला सहित झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के भी प्रवासी मजदूर थे सवार। उत्तर प्रदेश के दादरी से 884 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 11 बजे जमुई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची। इन प्रवासियों के स्वागत के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार, एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू, डीडीसी अरुण कुमार, एसडीओ, एसडीपीओ जिले के 10 प्रखंड के संबंधित बीडीओ, लोजपा जिला अध्यक्ष रूबेन कुमार सिंह व थाना अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी एनसीसी कैडेट मौजूद थे। जमुई स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही सर्वप्रथम माइक द्वारा इनका स्वागत किया गया, फिर एक एक बोगी से ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को उतारने को कहा गया। इन मजदूरों की सुरक्षा व देखभाल के लिए एनसीसी जीआरपी एवं सिविल पुलिस के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन प्रवासियों को मुसाफिर खाना स्थित जांच शिविर तक पहुंचाया गया, जहां उनकी स्कैनिंग की गई तथा उनका डाटा एंट्री किया गया। पश्चात नाश्ता पानी कराया गया। जांच के दौरान हाजीपुर और गया के एक एक प्रवासी संदिग्ध पाए गए। इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्टेशन परिसर में जिला प्रशासन द्वारा बस तैयार रखी गई थी। अनाउंस के अनुसार सभी प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य तक जाने वाली बस पर सवार हुए। सर्वाधिक 402 प्रवासी थे जमुई के तो 299 बांका के। इन प्रवासियों में सबसे अधिक 402 प्रवासी जमुई जिला के बताए गए तो 299 बांका के। इसके साथ 31 अन्य जिला के भी लगभग सैकड़ों मजदूर जमुई पहुंचे। जमुई से ब्यूरो धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। दादरी से आ रहे हैं। दादरी से क्या दिक्कत हुआ था? हमें तो दिक्कत ना था, लेकिन जब लॉकडाउन चल रहा है कंपनी बंद पड़ी है तो चले आए। कंपनी में काम करते थे? हाँ। किस कंपनी में? ऐसे दो दिन जाते हैं तो दो दिन वापस आ जाते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर इधर सिंधगा नोएडा। नोएडा में कहाँ रहते थे? घोड़ी गाँव। वहाँ क्या करते थे? केबल डालते थे बिजली का। अच्छा, तो क्या दिक्कत हुआ वहाँ? वहाँ काम बंद हो गया था। तो कितने दिन से वहाँ फंसे हुए थे? दो महीने से। दो महीने से अभी रास्ते में आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा लग रहा है आपको अपना घर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसे जिला प्रशासन को आप क्या देना चाहते हैं? बढ़िया बात है, लगे हुए। यहाँ पे देखिए मुश्किल से 20 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। कितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सर? उसमें अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है हम लोग के पास, लेकिन लगभग 1000 की संख्या में लोग रहेंगे। क्या व्यवस्था की गई है सर? कई जिलों में देखा गया है सर कि जैसे ही ट्रेन पहुंचती है रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद जो है कई श्रमिक जो होते हैं वो भागने का प्रयास करते हैं। कई लोगों में भय भी होता है इसको लेकर के। नहीं, हम लोगों ने फोर्स को रखा हुआ है, इसके साथ साथ व्यक्ति का इंतजाम है। जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उसमें 550 के आसपास जो होंगे हमारे यहाँ के ही रहने वाले होंगे। हमारे SHO BDO लोग यहीं पे हैं, वो लोग यहाँ से सीधे ब्लॉक सेंटर्स पे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ 400 या 450 के आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि आसपास के स्थलों के रहने वाले, तो उनके लिए भी गाय है व्यक्ति लगा हुआ। लोग आएंगे, उतरते के साथ भोजन देंगे।